हेलो फ्रेंड्स, आई एम अवि मित्तल एंड यू आर वॉचिंग अवि मित्तल व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एमसीआई ने ऑनलाइन एक नोटिस रिलीज किया था कि ऑनलाइन एमबीबीएस क्लासेस आर नॉट वैलिड, उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। एमसीआई ने एक नोटिस रिलीज किया और उसमें एमसीआई ने ये कहा कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है एमबीबीएस की या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स की, अब वो वैलिड नहीं है। एमसीआई उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मतलब अगर स्टूडेंट्स फीस पे करके ऑनलाइन क्लासेस लगा भी रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूशन उनकी क्लास लगवा भी रही है, तो वो क्लासेस वैलिड नहीं होगी और वो क्लासेस रिकॉग्नाइज नहीं होगी एमसीसी के अंडर। और उसके कारण बच्चों के फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है कि लॉकडाउन के अंदर जो वो क्लासेस लगा रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, उसका कोई भी वैलिडेशन उन्हें नहीं मिलने वाला। तो ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ हो सकती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर बैड न्यूज़ है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ रही है। जो कॉलेजेस है वो फ़ीस पे करवा रहे हैं और जो एमसीआई है वो कह रही है कि उस फीस पे की आपने और जो कॉलेज आपने अटेंड किया ऑनलाइन, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कॉलेज थ्रो ऑनलाइन क्लासेज फॉर पास्ट सिक्स मंथ इन व्यू ऑफ पेंडेमिक हैज़ इन्फॉर्म दैट द सच क्लासेज आर नॉट रिकोगनाइज बाई द एमसीसी। मतलब जो काउंसिल है उसने ये बात भी बोल दी कि जो अभी की क्लासेस नहीं, जो पूरे लास्ट छः महीनों में जो पेंडेमिक में जो क्लासेस लगाई गई थी, उनमें से कोई भी क्लास रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी एमसीआई के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।